होती है, पावापुर का सबसे बड़ा ग्राउंड है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये बिल्कुल अनइवन है। ठेकेदार ने जो काम किया है वो अधूरा छोड़ दिया है। गवर्नमेंट से हमने बार बार अपील की है कि पावापुर के बच्चे बिल्कुल दर बदर घूम रहे हैं एक स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती है कि ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का एक भी बंदा यहाँ आए तो वो देखे कि ये कितना अनइवन है। बच्चे जब खेलने आते हो तो उनको एक खतरा रहता है कि कहीं वो ज़ख्मी ना हो जाए। बिल्कुल मरम्मत की जाए तो ये सबसे सबसे अच्छा ग्राउंड बनेगा और हमारे बच्चे भी इसमें आने वाला जो भविष्य है पावापुर का वो इसमें आराम करेगा, वो इसमें खेल सकेगा, अपने खेल कूद को वो बढ़ावा दे सकेगा। कि इसमें कितनी अनइवन सरफेस है, अनइवन सरफेस है, कहीं पर भी ये मतलब स्ट्रेट नहीं है, ऊंची सतह है, नीची सतह है। वायर हेयर इज द रॉ मटेरियल विच द कंट्रैक्टर हैज़ लेफ्ट हेयर एंड ही इज़ नॉट एंक्शियस टू रिमूव इट। सो इट इज़ अ बर्डन फॉर पावापुर पीपल दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस। द कंट्रैक्टर इज सो responsible that he have left everything here undone. So we request again to the government that special attention should be given to this ground. काम लिए हुए इनको ठेकेदारों को 2 साल हो गए लगभग। जो भी यहाँ पे गेम चलते हैं लड़के खुद ही अपने जेब से पैसे निकालते हैं और खुद ही फिर इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं। कंट्रैक्टर था, उसने यहाँ पे सब कुछ काम अधूरा करके छोड़ दिया। अभी किसी तरह से वो इधर ना आता है, यहाँ पे देखता है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। कंस्ट्रक्शन भी पूरी अभी स्टॉप है, फेंसिंग गेट जो है वो लगा के नहीं है। यहाँ पे जो मवेशी है वो अंदर आते हैं और इस ग्राउंड को पूरी तरह से तबाह करते हैं, टर्फ को भी वो ख़राब करते हैं। जो अपर पोर्शन जो सॉइल का है वो बहुत हार्ड है, उसमें स्टोन्स भी रखे हैं, कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं देता है, ना स्पोर्ट्स का ना कुछ। ग्राउंड्समैन भी अवेलेबल नहीं होता है जो यहाँ पे ऑलरेडी चेंजिंग रूम में, अब इसमें आज इन्होंने कुछ किया है कंस्ट्रक्शन का ये। मगर ओवरऑल यहाँ पे जो भी जिम्मेदार है, रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट है या कोई जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, सब अपनी ये काम पूरी तरह से नहीं करते हैं और यहाँ पे इसको जो स्टेडियम है इसको डिके करने के लिए छोड़ा है। हमने खुद टर्फ बनाई है, उसमें 50-60 हज़ार रुपया हमें खुद हम यहाँ पे जो बच्चों ने दिए हैं खुद उसके लिए, मैट भी हम खुद लाते हैं, हर कोई चीज़, रोलर हमारा यहाँ पे है, रोलर भी हमने अपने पैसों से लाया है। सपोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है कभी आगे नहीं आए हमारे लिए, मैं खुद यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, कुछ भी नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। खाली ये चाहते हैं कि हम जो यूथ है वो खेलना चाहिए, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बस ये।